भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं किन्नौर प्रभारी शशि दत्त ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि हिमाचल की चारों सीटों पर भाजपा प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। हालात को देखते हुए कांग्रेस के कई नेता अब भाजपा में शामिल हो रहे हैं, जिनमें प्रमुख नाम सिंगी राम का है। सिंगी राम सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए हैं। उनके साथ कई पंचायत प्रधान और पंचायती राज से जुड़े लोगों ने भी भाजपा का दामन थामा है। इससे भाजपा को अवश्य लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि लोग केंद्र में मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा देखना चाहते हैं, इसलिए भाजपा से जुड़ रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता शशि दत्त ने कहा कि किन्नौर के सांगला में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए 1 मई को पहुंच रहे हैं। गडकरी का हिमाचल के प्रति उदारता के कारण उम्मीद से अधिक नेशनल हाईवे मिलना है। उन्होंने बताया कि गडकरी के किन्नौर दौरे को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। पिछले कल भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने रामपुर क्षेत्र का दौरा किया है। आने वाले जो लोकसभा के चुनाव है उसके दृष्टिगत और साथ के साथ आने वाले समय के लिए भी इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का आधार बढ़े, इस को लेकर जो बातचीत चल रही थी बड़े लंबे समय से, माननीय सिंगी राम जी जो पूर्व में यहाँ पर हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं और 7 बार के हमारे विधायक यहाँ पर रहे हैं, एक लंबा अनुभव उनका राजनीति का है। उन्होंने कल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। हम भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनका स्वागत करते हैं और साथ के साथ उनके साथ सैकड़ों समर्थकों ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, जिससे आने वाले लोकसभा में तो निश्चित तौर पर हमको फायदा होगा ही और साथ के साथ लंबे समय के लिए भारतीय जनता पार्टी को जो एक वर्ग हमारा SC वर्ग है उसके प्रदेश के जाने माने नेता है, उस वर्ग में भी भारतीय जनता पार्टी को विशेष फायदा मिलने वाला है। और इसके साथ साथ मैं आपके ध्यान में कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।